सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे राजू इंजीनियर्स को लेकर। राजू इंजीनियर्स आप लोग देखो कि बेसिकली इंडस्ट्रियल जो मशीनरी है उसकी इंडस्ट्री में काम कर रही है। और यहाँ पर स्टॉक के प्राइस में आप लोग देखोगे आज के दिन हमें 50% का फॉल दिखाई दे रहे हैं। प्रीवियस क्लोजिंग इसकी 520 रुपये के आसपास थी और वहाँ से जो शेयर है वो 258 रुपये के भाव में आया हुआ है। 260 रुपये के करीब जो शेयर है वो ऊपर से फिसल गया। तो कारण क्या है इतनी बड़ी गिरावट के पीछे, इस वीडियो में उसी बात पर चर्चा करें। तो यहां पर आप लोग देखोगे भी इस शेयर में पिछले कुछ दिनों से लगातार काफी शानदार रैली बनी हुई थी। पिछले 5 दिन में आप लोग देखोगे तो ये शेयर जो है अभी 10% रिटर्न दे चुका है। पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं तो एक महीने में 64% की रिटर्न दे चुका है। और 6 महीने में आप लोग देखोगे जो शेयर है ये अपने हाई तक मैं बोल रहा हूं भी 120% के करीब रिटर्न दे चुका है। और एक साल में आप लोग देखोगे इस शेयर ने 899 यानी 900 रुपए के आसपास के 900% के आसपास के जो रिटर्न है वो इसने दिए हैं। तो बहुत शानदार रिटर्न्स दिए। लेकिन आज आप लोग देखोगे स्टॉक ऊपर से 50% क्रैश। बिकॉज आज आपको पता होगा अभी तारीख कितनी, आज तारीख है 8 और 8 तारीख को कंपनी की तरफ से एक दिन अनाउंसमेंट हुआ था कि 8 तारीख को जो कंपनी वो आपको बोनस देगी 1:1 में, यानी कि एक शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस। तो ये बोनस वगैरह कुछ नहीं होता। अभी इसमें आपको मैं समझाता हूँ क्या होता है। कंपनी की फेस वैल्यू होती है, ठीक है, और उस फेस वैल्यू के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आता है तो कंपनी बोनस दे रही है। अगर फेस वैल्यू कम की जाती है तो उस कंडीशन में कंपनी स्प्लिट देती है, ठीक है। बहुत से भाइयों को टेंशन रहती है कि ये कंपनी स्प्लिट ही दिया, बोनस तो क्या है, बोनस नहीं होता, अभी स्प्लिट होता है ये, ठीक है। जब फेस वैल्यू कम हो जाती है और फेस वैल्यू सेम रहती है और कंपनी आपको ये बोनस देती है और आपके स्टॉक के प्राइस में देखो भी जरूर डिक्रीजन आएगा, ठीक है। तो एक के ऊपर एक देगी तो एक के ऊपर एक शेयर आपको मिलेगा। पहले एक था उसके दो हो जाएंगे, तो एक शेयर तो आपके पास है जो पहले आपने खरीदा हुआ था, लेकिन जो बोनस वाला शेयर है वो नहीं आया। तो इसलिए आपका 50% पैसा तो है और 50% जो पैसा वो शेयर आते ही कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आपके पोर्टफोलियो में ये 50% का लॉस दिखाई दे रहा होगा इस शेयर की वजह से। तो बोनस शेयर कब और कैसे आएंगे, तो बोनस शेयरों को लेकर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है भाई जो हमें करनी पड़ेगी फिर वो शेयर हमें मिलेंगे। तो ये बोनस शेयर ऑटोमेटिक कंपनी आपके डीमैट अकाउंट में 1 से 2 वीक में क्रेडिट कर देगी, ठीक। तो इसको लेकर भी परेशान नहीं होना है। तो ये कारण रहे भी इस गिरावट के पीछे। और यहाँ से स्टॉक में क्या रैली बन सकती है भी देखो, पीछे शेयर ने काफ़ी अच्छे जो ना भी टारगेट दिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी रैली स्टॉक में रही है। तो आगे भी चांसेस है कि ये अच्छे रिटर्न दे पाए। पीछे रिजल्ट्स भी आए थे, रिजल्ट्स के बाद भी कंटिन्यूसली स्टॉक चला हुआ है तो भी प्रॉफिट बुकिंग होने लग जाती है वो। और या फिर मार्केट में कोई बड़ी करेक्शन आती है उस कंडीशन में थोड़ा बहुत हाल बेहाल हो सकता है। अदरवाइज इसने पीछे भी रिटर्न दिए, अभी टाइम भी चल ही रहा है। तो इस बोनस के बाद ये 50% जो गिरावट में आया है, इसके बाद यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिल सकता है। हालांकि आप लोग देखोगे भी ये जो शेयर है वो 66 के पी पर ट्रेड कर रहे हैं जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा सा महंगा लग रहा है। उसके बाद आप लोग देखो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 1590 करोड़ के आसपास की इसकी मार्केट कैप भी है भाई। तो ये इसके लेवल से भी पीछे इसने 52 वीक हाई भी क्रिएट किया था जो कि ऑलमोस्ट 535 है। ये प्रीवियस कल ही के दिन इसने बनाया था भाई, ठीक है, फिर ऊपर से थोड़ा बहुत फिसला जरूर है। तो ये इसके लेवल रहेंगे। इसके अलावा कुछ पूछना है कमेंट में पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि इस शेयर के रिगार्डिंग आगे कोई खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।